उसकी डेथ कैसे हुई है? डेथ उसमें सर उसके गला दबाने से हुई है। भी के किसी ने नहीं बताया, मदर ने, फादर ने, ब्रदर ने, अंकल ने, जिसकी ये पुष्पेन की बात कर रहे हैं उसका भी स्टेटमेंट देख लें सर, मैं पढ़ देता हूँ। आप 21 तारीख का स्टेटमेंट देखिए ना सर, इसका पुष्पेंद्र का, उसमें आप बता नहीं रहे, मदर का भी हो रहा है, फादर का भी हो रहा है, राव का भी हो रहा है, कोई डिस्क्लोज नहीं कर रहा है इस बात को। सर्कमस्टेंशियल का केस है ये, सर्कमस्टेंशियल का दरअसल ये लास्ट सीन एविडेंस इज देयर कि उसने लास्ट सीन में जो प्रेजेंट एप्लीकेंट ने उसे डिसीज को बुला के ले गई थी मेरे घर पे, चलो तुमसे इसके इनके बेटे का और डिसीज का कोई रिलेशन था तो उस संबंध में आपसे बात करनी, लास्ट सीन एविडेंस इज देयर, उसने देखा हुआ जाते हुए बता के गई है, उसके बाद इसकी डेथ हुई है। लॉर्ड साहब ये इसके ये लास्ट सीन की बात कर रहे हैं, उसका स्टेटमेंट इमीडिएट हुआ है पुष्पेन का, सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट में वो बात मेरे मेमो से आपने इम्प्लीकेट की है, सभी के किसी ने नहीं बताया, मदर ने, फादर ने, ब्रदर ने, अंकल ने, जिसकी ये पुष्पेन की बात कर रहे हैं उसका भी स्टेटमेंट देख लें सर, मैं पढ़ देता हूँ, कहीं भी उसने कोई डिस्क्लोज नहीं किया। पुलंदर और पुष्पेन ये कौन है भाई है? ये इसी ने बताया था अंकल को, रामू को, सभी ने अनोन। ये क्या डिसीज का भाई है? डिसीज का भाई है, साथ में ये अपनी बहन और ये साथ में घर पर ने बताया कि पते पर रहता हूँ, हम दो भाई एक बहन है, सबसे बड़ी बहन आरती साख है, करीब 22 साल की है, उसके बाद सूरज 18 साल का, सबसे छोटा हूँ मैं हूँ, मेरा बड़ा भाई सूरज अहमदाबाद में कलर का काम करता है, करीब एक महीने पहले अहमदाबाद में सूरज के पास कलर गई थी, वहाँ पर मजदूरी करते थे, मेरे पिता मेवालाल मेवाती गांव में के साथ गांव में बड़ोकरी में ही रहती थी, करीब 4 दिन पहले मेरे बड़े भाई सूरज ने मुझे बताया कि माँ उर्मिला ने फोन करके बताया कि तुम्हारे पिता मेवालाल साहब के यहाँ मेहना मजदूरी करने के लिए जाना है, तो तुम्हारी बहन आरती घर पर अकेली रहने के कारण तुम छोटे भाई पुष्पेंद्र को गाँव बड़ोकरी पर भेज देना, फिर मैं अहमदाबाद से गाँव के लिए निकल आया 16/2/2024 को, मेरी माँ उर्मिला बहन आरती को घर पर अकेली छोड़कर मजदूरी के लिए चली गई, फिर दिनांक 18/2/2024 को दोपहर करीब 1 बजे अहमदाबाद से आरती के पास गांव आ गया था, 18/2/2024 को मेरी माँ उर्मिला रामपुरा उत्तर प्रदेश में शादी काम में करने के लिए गई थी, मेरे पिता मेवाती मोहना काम करने के लिए गए थे, दिनांक 18/2/2024 को 8:30 बजे आरती दीदी ने अपना मोबाइल चार्जिंग पर लगा दिया था, मैं बाहर का गेट अंदर से बंद करके ताला लगा दिया था, फिर मैं दीदी आरती खाना खा पी कर बाहर वाले कमरे में खटिया पर सो गए थे, फिर सुबह 6:30 बजे सोकर उठा, देखा कि दीदी आरती खटिया पर नहीं है, बहन आरती का जो चार्जिंग का मोबाइल लगा हुआ था मोबाइल घर पर नहीं है, फिर मैं अपनी दीदी आरती को ढूंढा, दीदी आरती घर में नहीं मिली, फिर मैंने देखा अंदर बाहर वाले गेट का ताला खुला हुआ, फिर मैंने खोला तो आरती बाहर कि सांकर लगी हुई है, खटखटाया, बाहर गांव के किसी व्यक्ति ने खोल दिया था, मैं बहन आरती को ढूंढा, पता चला कि तिलक सिंह राजपूत के भूसे के अंदर किसी का शव पड़ा हुआ है, मैंने तिलक सिंह राजपूत के भूसे के अंदर जाकर देखा, बहन आरती का शव पड़ा हुआ था, मेरा मेवालाल उस मेवाती साख चाचा रामू को फोन कर बताया कि रामू चाचा आ गए, फिर रामू चाचा ने थाने में रिपोर्ट की, मैंने देखा कि तिलक सिंह राजपूत के गौड़ा के पास भूसे के कूपे के पास काफी भीड़ लगी हुई थी, वहाँ पर पुलिस आ गई थी, मेरी बहन आरती ये जो पढ़ रहे हैं वो 21 तारीख का है, 22 तारीख के बारे में इम्प्लीकेशन आया और ये सर बात का है, 24 तारीख को ये जो सर जो कह रहे हैं कि मेरी अरेस्टिंग के बाद मेमो बना के ये नहीं, आपने ये बोला था अभी, अब मैं लॉर्ड साहब को तो बता दूं, मैं ये कह रहा हूँ सर इम्प्लीकेटिव स्टेटमेंट कब आया? 22 तारीख को सर, 22 तारीख को आया और 22 को FIR हो रही सर, तो FIR में क्यों अननोन में आप FIR कर रहे हैं, वो सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट आपने 22 के बाद ही काट रहा, तारीख 22 की डाली है, आप 21 तारीख का स्टेटमेंट देखिए ना सर, इसका पुष्पेंद्र का, उसमें आप बता नहीं रहे, मदर का भी हो रहा है, फादर का भी हो रहा है, राव का भी हो रहा है, कोई डिस्क्लोज नहीं कर रहा इस बात को। ये मर्ग स्टेटमेंट है, मर्ग स्टेटमेंट 21 तारीख का सर, 21 का है सर मर्ग स्टेटमेंट पुष्पेंद्र का, कहीं नहीं बता रहे आप, इसकी डेथ कैसे हुई है? डेथ उसमें सर उसके गला दबाने से हुई है, स्ट्रेंगुलेशन एस्फिक्सिया से हुई, हाँ
और वो भी उन्होंने सर्कमस्टांशियल एविडेंस उन्होंने डीएनए वगैरह वो तो डीएनए को भेजा नहीं है, आई विटनेस कोई है नहीं। लास्ट सीन की जो बात कहते हैं आप, डिटेल स्टेटमेंट है आपका, आपने कहीं कोई डिस्क्लोज नहीं किया। महिला है, चार्जशीट पेश हो गई, मोर देन फोर मंथ से कस्टडी में लौट, कस्टोडियल इंट्रोगेशन की कोई आवश्यकता नहीं, जो भी कंडीशन लगाएंगे फुलफिल करेंगे। फर्स्ट अपील फॉर ग्रांट ऑफ बेल अंडर सेक्शन 14 सो एंड सो एफएससी एसटी एट्रोसिटीज एक्ट पॉइंट द लर्निंग काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट सबमिट्स दैट द एप्लीकेंट इज ए वुमन एजेड अबाउट 55 इयर्स एंड एज पर प्रोसिक्यूशन वर्जन द एलिगेशन अगेंस्ट द एप्लीकेंट इज दैट हर सन वॉज इन रिलेशनशिप विद द डिसीज्ड and to bring about END end of that relationship, she committed murder of the victim. Point. Victim slash deceased. Point. Victim is deceased. Murder of the deceased. Point. The Learned Counsel for the applicant submits that the applicant has been roped in on the basis of last seen evidence of Kundar alias Pushpendra, point. Pushpendra, who is brother of the deceased, point. It is submitted that during the course of inquest proceedings on 21-2-2024, the version did not come that the present applicant had taken away the deceased to her home on some pretext, point. However, on 22-2024, the improved version came in the statements of Pushpendra alias Pulandar, alias Kundar, Pushpendra alias Kundar, that it was the present applicant who had taken away the present, taken away the deceased to her home on some pretext. Point. It is further submitted that investigation in the matter is complete. Point. Challan has already been filed and the present applicant is in custody since 24-2-2024. Point. Objection likhi considering the full set. Oblige. 50-50.